डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय 14वीं झारखंड राज्य मुक्केबाजी प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। राज्य स्तर प्रतियोगिता में 17 जिलों के 180 खिलाड़ियों ने भाग लिया। संघ के अध्यक्ष रेजी डुंगडुंग के मुताबिक राज्य में इस खेल को बढ़ावा देने के मकसद से ये आयोजन किया गया था। देखिए, मकसद तो एक ही है कि यंग बॉक्सर्स जो जूनियर्स हैं वो लोग आगे आएँ, मोटिवेटेड हों। और जैसा मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि यहाँ टैलेंट्स की कमी नहीं है, केवल उनको मौका मिलना चाहिए। और अकेले बॉक्सिंग की ही बात नहीं है, कई चीज़ें ऐसी हैं झारखंड में जिसको लोग जानते नहीं हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग डिस्टेंस वॉक एंड रन, इंटरनेशनल इवेंट, लोगों को जानकारी नहीं, कभी नहीं हम करा पाते हैं। साइकिलिंग, इन सब में हमारे गांव में तो कमी नहीं है एंड्योरेंस की। बॉक्सिंग को हम चाहते हैं कि गांव के लोग आएँ, और हमें प्रयास किया है और मेरी टीम ने प्रयास किया है और स्टेट एसोसिएशन के उत्तम सिंह साहब ने इन्होंने करवाने की जिम्मेदारी दी। मकसद यही है कि हम इसको नई जगह ले आएँ, इसलिए हम लोगों ने वहाँ वालों को भी मौका दिया जहाँ एसोसिएशन नहीं है।